कोविड की दूसरी लहर के समय पिंजौर कालका के अनेक समाज सेवियों की टीम ने कालका विधायक प्रदीप चौधरी के मार्गदर्शन में प्रशासन की मदद करते हुए कालका कॉलेज में एक अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया था, जिसको लेकर उक्त कोविड केयर सेंटर में सभी के सहयोग से मरीजों को बेड, भोजन, ऑक्सीजन, चाय, नाश्ता और दवाइयां भी उपलब्ध करवाई थी। इस कार्य में विधायक प्रदीप चौधरी, हर्ष कुमार, पवन कुमारी, अजय सिंगला, शरणजीत ग्रोवर, इंदरवीर सिंह, सुरेंद्र चौहान, संगत सिंह नंदा, सुनील शाम व हरभजन सिंह ने अपना पूरा सहयोग दिया था। वहीं अब जब देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और मरीजों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की अनुमति के बाद कालका कॉलेज में शनिवार को 24 बेड के अस्थायी कोविड सेंटर को फिर से तैयार किया गया है। इस मौके पर कालका से समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता हर्ष कुमार, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला, शरणजीत ग्रोवर, सुरेंद्र चौहान, इंदरवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। इन्होंने कहा कि इस कोविड सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रशासन द्वारा दी जाएंगी और प्रशासन जो भी जिम्मेदारी हमारी टीम को सौंपेगा उसे हम विधायक प्रदीप चौधरी के मार्गदर्शन में पूरा करेंगे। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है और हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए हमने जब कोविड की दूसरी लहर थी गवर्नमेंट कॉलेज कालका में एक अस्थाई कोविड सेंटर बनाया था, चलाया था। कालका पिंजौर के हमारी जो ये टीम है भाई प्रदीप चौधरी जी के मार्गदर्शन में वो कामयाब भी रहा था। अब दोबारा से स्थानीय प्रशासन की हेल्प के लिए हमने दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज कालका में, जिससे हमें परमिशन मिल चुकी है स्थानीय प्रशासन की तरफ से लिखित रूप में, 24 बेड का एक अस्थाई कोविड सेंटर द्वारा स्थापित कर दिया है, जिसमें हम सरकार का और प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसमें अगर प्रशासन चाहेगा तो दवाइयां भी हर्ष जी के माध्यम से, पवन कुमारी जी के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से उनको दी जाएंगी पेशेंट्स को। ये सरकार के और प्रशासन के ऊपर है। बेड वगैरह हमने लगा दिए हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन अगर चाहिए तो हम देंगे। अगर पेशेंट जितने भी आते हैं उनके खाने का और भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं। और जो भी प्रशासन और सरकार हमसे चाहेगी हेल्प, मदद, हम पूरी करेंगे। हमारी तरफ से अस्थाई कोविड सेंटर बनकर तैयार है, सरकार जब चाहे इसको प्रयोग में ला सकती है। मैं सारे ही धर्म प्रेमियों को आगाह करना चाहना कि इतने जो भी पेशेंट आएगा उस तो एक रुपया भी ना खाने का ना दवाइया का लिता जाएगा। ये सारी व्यवस्था हर्ष कुमार जी तरफों, भैन पवन कुमारी जी तरफों, भाई प्रदीप चौधरी जी, नंदा जी, श्याम जी की तरफों फ्री की गई है।